वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज रजिया सुल्तान, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ गुलाम वंश। और गुलाम वंश आप जानते हैं, पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पांच वंश, मैं पहले भी बता चुका हूं, फाइव डायनेस्टीज। पहला स्लेव या गुलाम वंश, इसी गुलाम वंश को कहा जाता था मामलुक वंश, इसका और भी नाम है जैसे कि इलबरी वंश, ये भी आप कह सकते हैं। तो सारे ये नाम अलग अलग क्यों है, इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है। और इस आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश है, और इसमें कुल दिल्ली सल्तनत में पांच वंश है। पहला तो गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबरी वंश जिसे कहें, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और पांचवा और अंतिम वंश जो है यानी डायनेस्टी वो लोधी वंश, ठीक है। तो इन पांच वंशों को हमें पढ़ना है, जिसमें पहले वंश को हम देख रहे हैं गुलाम वंश को, ठीक है। अब गुलाम वंश में भी अगर आप देखेंगे तो तीन वंश हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, अभी मैं थोड़ा रिव्यू करूंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आराम शाह तक अगर देखें, तो इसमें गुलाम वंश में भी इतिहासकारों ने इसमें कहा है कि तीन वंश हैं अलग अलग अलग, लेकिन ओवरऑल हम गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबरी वंश के नाम से इसे जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा जाता है कि कुतुबी वंश चलाया जो यहां तक रहेगा आराम शाह तक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आ जाएगा, तो इसका वंश कहा जाएगा शमशी वंश, ठीक है। तो यहां से यहां तक नसीरुद्दीन महमूद तक जो है वो शमशी वंश चलेगा, और फिर यहां से बलवनी वंश, यानी तीन वंश। कुतुबी वंश जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, ठीक है, शमशी वंश क्योंकि इसकी शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की जाएगी, ठीक है, और फिर बलबनी वंश, ठीक है, जिसकी शुरुआत बलबन द्वारा की जाएगी। तो ये सारे वंश जो तीनों वंश हैं ये गुलाम वंश के ही हिस्से हैं, वैसे ओवरऑल गुलाम वंश, ठीक है। तो अब देखें, देखा जाए तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करने में मैं आपको बताऊं कि भारत पर पहला रजिया को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा जरूर रिव्यू कर लेना चाहिए, पीछे के बैकग्राउंड को जानना चाहिए, सो दैट यू गेट वेल कनेक्टेड विद द टॉपिक, ठीक है। देखिए, अगर देखा जाए तो भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, सफल मुस्लिम आक्रमण अरबों का था, और अरबों की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आता है और सिंध वाले क्षेत्र में अटैक करता है, ठीक है, इसी सिंध वाले क्षेत्र में वो अटैक करेगा। देखिए, ये सिंध का पार्ट है, ये पूरा सिंध का पार्ट है, तो यहीं पे ये अटैक करेगा। ये आज पाकिस्तान में है, उस समय भारत का हिस्सा था। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाएगी उस समय। फिर अगले दो आक्रमण तुर्कों के होंगे, और ये तुर्क जो होंगे ये अफगानिस्तान से आक्रमण करेंगे, ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाई हुई है तो तुर्क। तो पहला तुर्क आक्रमण होगा और दूसरा मुस्लिम आक्रमण भारत पर महमूद गजनवी का, और महमूद गजनवी 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक भारत पर 17 रेड्स करता है, यानी 17 आक्रमण करता है। इसका मकसद भारत में की धन संपत्ति को लूटना था, कोई सत्ता की स्थापना नहीं थी इसका मकसद, और थोड़ा इस्लाम का प्रचार भी था। तो उसमें यह सफल भी होता है, धन संपत्ति को लूटता है, मंदिरों को लूटता है पूरी तरह से, और वापस लौट जाता है। तो यहां तक भी मोहम्मद बिन कासिम के समय भी मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं होगी भारत में, और महमूद गजनवी के समय भी नहीं होगी। उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण शुरू होगा 1175 एडी से, ये भी आएगा अफगानिस्तान से ही। मोहम्मद गजनवी ये गजनी वाले अफगानिस्तान के गजनी पार्ट से आता है, जबकि जब गोरी आएगा तो ये गजनी यहां पर गोर है, देख लीजिए, तो गोर साम्राज्य का हिस्सा है गजनी उस समय मोहम्मद गोरी के समय। तो ये मैं बता चुका हूं, डिटेल पढ़ा चुका हूं, 1175 एडी में ये पहला आक्रमण मुल्तान पे करता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे भी आक्रमण होगा। अंतिम आक्रमण मोहम्मद गोरी का खोखरो के खिलाफ 1205 एडी में होगा, ठीक है। 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, और आप समझिए कि मोहम्मद गोरी के साथ मैंने बता दिया था कि तीन महत्वपूर्ण लड़ाई है, पहले दो लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ, तराइन, बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। दूसरी बार मोहम्मद गोरी भारत आता है, और फिर
तराइन की दूसरी लड़ाई होती है 1192 में, इस बार पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है, उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का रास्ता भी है जो क्लियर हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण लड़ाई होगी चंदावर की, जो कि 1194 एडी में होगी जयचंद के खिलाफ, यानी पूरी तरह से राजपूतों को निस्तनाबूद कर देंगे ये जो तुर्क हैं मोहम्मद गोरी के समय, और उसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाएगी। करेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो कि मोहम्मद गोरी का बहुत ही प्रिय स्लेव था, गुलाम था, और भारतीय एक्सपीडिशन में, इंडियन अभियानों में, भारतीय अभियानों में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी मोहम्मद गोरी क्या करता था, आता था यहां से अटैक करेगा फिर वापस चला जाता था, ठीक है। लेकिन उस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र जीते गए, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जीते गए या मोहम्मद गोरी खुद इस लड़ाई में इन्वॉल्व रहा, बैटल में, तो जो भी क्षेत्र विजित क्षेत्र थे, कंकर्ड टेरिटरीज थे महत्वपूर्ण, खासकर आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में गंगा, यमुना, दोआब और लाहौर, ये सब जो क्षेत्र, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, इसकी जिम्मेदारी दे दी थी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। बहुत ही कॉम्पिटेंट, इसका स्लेव था, गुलाम था। और 1206 में जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा और 1206 एडी में ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा। तो दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर है, और ये दिल्ली सल्तनत, डीएस स्टैंड फॉर दिल्ली सल्तनत, 1206 एडी ये स्थापना कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है, या आप कहें मामलुक वंश की शुरुआत हो जाती है, या आप कहें इलवरी वंश की शुरुआत हो जाती है भारत में, ठीक है। ये लाहौर को राजधानी बनाएगा, यही लाहौर को, यहां पे लाहौर है, इसी को राजधानी बनाएगा, आज के पाकिस्तान में है, पंजाब का प्रांत है, ठीक है। तो देखिए, तो जितने भी महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण तो इसमें दो ही तीन है, एक ये फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, इसे हम पढ़ चुके हैं, उसमें एक पर्सनालिटी रजिया का भी महत्वपूर्ण है, और फिर बलबन का। हालांकि हम थोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश को, रुकनुद्दीन फिरोज को भी पढ़ चुके हैं, आज रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा नसीरुद्दीन महमूद, और फिर बलबन को। तो यही हमारा जो है कुछ शासकों के बारे में जानना है, गुलाम वंश के या स्लेव डायनेस्टी के, तो हम जानेंगे। हम कुतुबुद्दीन ऐबक, आरम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज तक सब जान चुके हैं, आज रजिया का टॉपिक है, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको क्रोनोलॉजी पता चले कि स्लेव डायनेस्टी में, हर डायनेस्टी के बारे में जो महत्वपूर्ण होता है ना, क्या होता है, एग्जामिनेशन में कई बार क्रोनोलॉजी पूछ देता है, या तो सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में, कि कौन शासक किसके बाद आया, ठीक है, या किसके पहले आया। उल्टा पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, और सीधा पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। तो इसलिए क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। अब क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैंने एक ट्रिक भी आपको बता दिया था जिससे आपको याद रहेगा। अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, इस ट्रिक को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, इस ट्रिक से आपको ये क्रोनोलॉजी याद रहेगा। देख लीजिए, अब से ऐबक, अब से ऐबक, आज से आराम शाह, इस बार से इल्तुतमिश, फिर फिरोज, फिरोज याद रहेगा, फिर से केवल आपको रुकनुद्दीन लगा लेना है, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। राजस्थान से रजिया सुल्तान, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, या खाली रजिया आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बिहार से बहराम शाह, देखिए यहां पर बहराम शाह, उसके बाद मे से मसूद शाह, मसूद यहां कर दीजिएगा, यहां मसद लिखा गया है, मसूद शाह, ठीक है, मसूद शाह, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नसरुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद, हाँ, नसरुद्दीन महमूद ये ध्यान रखिएगा। बाल से बलबन, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है बलबन, बलबन कटाएगा से कैकुबाद, और क्यों से क्यूमर। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये ट्रिक यहां दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी याद रहेगा। अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, ये हो गया। अब आते हैं इस टॉपिक पे, रजिया पे। देखिए, मैंने पिछली बार रुकनुद्दीन फिरोज पढ़ाया था,
उसमें भी मैंने ये बताया था कि एक तरह से इसको रख लीजिए रजिया के इंट्रो के रूप में, ठीक है। वहां मैंने ये बता दिया था कि रजिया कौन है भाई, इल्तुतमिस, पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिस, इसी की बेटी है, ठीक है। और अब पहले जान चाहिए, फिर हम देख लेते हैं इसको कि देखिए हुआ क्या था कि इल्तुतमिस ने अपने जीवन काल में ही रजिया को शासिका घोषित कर दिया था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, यानी सुल्तान घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसको यह लगता था कि उसका एक बेटा था जो सबसे योग्य बेटा, बड़ा बेटा, नसीरुद्दीन महमूद, ये वाला नहीं, एक और था नसीरुद्दीन महमूद, उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके अलावा उसके जितने भी बेटे थे वो समझता था कि वो नालायक है। वो कहता भी था कि मेरे सारे बेटे नालायक हैं, ठीक है, और वो सुंदरियों के प्रेमी हैं, विलासिता में जीवन जीते हैं, इसलिए मुझे ये लगता है कि मेरी बेटी जो है वो राजकाज के लिए सबसे ज्यादा योग्य है। ये उसने बताया था और अपने जीवन काल में ही इल्तुतमिस ने रजिया को सुल्तान बना दिया था, ठीक है, रजिया को सुल्तान बना दिया, डिक्लेयर कर दिया था उत्तराधिकारी, सुल्तान नहीं, उत्तराधिकारी बना दिया था, ठीक है। जब तक जीवित है तब तक तो वही है इल्तुतमिस, है तो उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन इल्तुतमिस की जब मृत्यु होती है तो रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया जाता है। क्यों? इसके खिलाफ, इच्छा के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं, जो कोर्टियर्स हैं, और जो चालीसा है जिसे तुर्काने चहलगानी, गुलामे चालीसा, या गुलामे ये कहा जाता है, द 40 चालीसा, 40 रुकनुद्दीन इल्तुतमिस ने बनाया था शासन में हेल्प के लिए, 40 विश्वसनीय, 40 गुलामों का, तुर्क गुलामों का एक ग्रुप बनाया जिसे 40 भी कहा गया अंग्रेजी में, हिंदी में कहें तो चालीसा, तुर्काने चहलगानी, गुलामे चहलगानी, कुछ भी कह लीजिए, 40 लोग उसमें थे, 40 गुलाम थे जो कि शासन प्रशासन में इल्तुतमिस की मदद करते थे। वो भी नहीं, ये बहुत डोमिनेंट, जब तक तो इल्तुतमिस रहा तब तक तो इल्तुतमिस की मदद वो करते रहे शासन प्रशासन में, लेकिन इल्तुतमिस की जब डेथ होती है उसके बाद वो अपना डोमिनेशन उनका बढ़ जाएगा आगे, ठीक है, डोमिनेशन उनका बढ़ जाएगा ये चालीसा का, क्योंकि उसके बाद वो चाहेंगे कि उनके उनका मनपसंद कोई जिसे वो पपेट बना सके वो शासक हो। ये सब एक व्यक्ति है बलबन जो कि देख रहा है, आगे चल के यही बलबन चालीसा को खत्म कर देगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां देख लीजिए कि इल्तुतमिस की मृत्यु के बाद इल्तुतमिस की इच्छा के विरुद्ध रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया जाता है, क्योंकि चालीसा के लोग भी नहीं चाहते, चालीसा में का जो ग्रुप है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक महिला के अंडर में उन्हें काम करना पड़ेगा, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिमों की भी यही सोच है कि महिला कैसे शासिका बनेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेकर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया जाता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शासक तो बनता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसा वैसा खर्च करता है, बहुत विलासिता वाला, जैसा कि इल्तुतमिस ने कहा था कि इसके बाकी जो बच्चे हैं रजिया को छोड़कर वो सभी विलासिता का जीवन जीते हैं, तो बुरी आदतें हैं, तो और राज्य का पैसा इसने खूब जम के खर्च किया, शासन प्रशासन इसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में है, ठीक है, और दोनों बड़ी ज्यादती करते हैं, ठीक है। एक कुतुबुद्दीन नाम का एक बेटा है इल्तुतमिस का, उसको शाह तुर्कान क्या करती है कि अंधा करवा देती है, ब्लाइंड करवा देती है, और इवन ये शाह तुर्कान इसकी जो मदर है रुकनुद्दीन फिरोज की, वो एक तरह से दासी थी, हरम की मेड थी, जिससे इल्तुतमिस ने शादी किया था, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा वो षड्यंत्रकारी लेडी थी, ठीक है, इसने शासन प्रशासन को अपने हाथ में ले ही लिया था, क्योंकि ये तो ध्यान दे नहीं रहा था, और कहा जाता कि नाबालिग भी था, जो भी है, तो शाह तुर्कान के हाथ में शासन है, प्रशासन है, तो ब्लाइंड भी करवाती है, और जो इसकी को वाइफ्स हैं इल्तुतमिस की, यानी कि उसकी जो और भी पत्नियां हैं इल्तुतमिस की, किसी को कैद कर लेती है, उनके बच्चों को मरवा देती है, किसी को मौत दे देती है, कुछ भी, तो बड़ी ज्यादती की उसने शाह तुर्कान ने, और पूरी तरह से सत्ता जो है इनके हाथ में आ जाती है। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ भी विद्रोह होता है, और फिर जो जनता है वो चाहती है, दिल्ली की जनता, कि रजिया सुल्तान शासक बने। महल पे आक्रमण होता है, रजिया सुल्तान को फिर आर्मी के और जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान सत्ता पाने में कामयाब होती है, ठीक है। ये मैंने पूरा रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में आपको बता दिया था, अब यहां से हम थोड़ा रजिया के बारे में देखेंगे और आगे की, हालांकि अभी भी जो मैंने बताया है यहां भी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो रजिया सुल्तान का शासनकाल, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक
जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, 1210 तक रहता है, 1210 एडी तक, ठीक है। उसके बाद आराम शाह बनता है बहुत कम दिनों के लिए। उसके बाद फिर 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश रहेगा, ठीक है, 1236 तक एडी तक इल्तुतमिश रहेगा, ठीक है, 1211 से 1236 तक। और फिर उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज मात्र 7 महीने के लिए बनेगा, ठीक है, 7 महीने के लिए। और फिर रजिया सुल्तान आ जाएगी जिसका शासनकाल 1236 एडी से लेकर 1240 एडी तक रहेगा। तो ये शासनकाल है। अब देखिए यहां पर फादर कौन है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश रजिया का, ठीक है, यहां पर देखते जाइएगा, जरूरी है जानना, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। मदर का नाम ये बस जानने के लिए, कुतुब बेगम, ठीक है, 1205 में इसका जन्म होता है बदायूं, यही गंगा यमुना द्वीप पर, यही पे बदायूं पड़ेगा, ठीक है, यूपी में आज के, ठीक है। फर्स्ट वेमेन मुस्लिम रूलर टू ऑक्युपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली, प्रथम महिला जो मैंने बताया। यहां पर आप एक चीज और लिख लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट वेमेन मुस्लिम रूलर टू ऑक्युपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है, प्रथम और आखिरी मुस्लिम महिला जिसने दिल्ली की गद्दी हासिल की। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसने ये पूछा गया है, तो यहां पर इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डेथ इसकी होगी 1240 एडी में, इसके आगे के जो भाई है, बहराम शाह इसका भाई है, इसी के षड्यंत्र के तहत इसको मरवा दिया जाएगा कैथल हरियाणा में। कैथल जो है आज के हरियाणा में, उस समय हरियाणा नहीं था, तो उस समय पंजाब होगा, ठीक है, तो ये मरवा दिया जाता है 1240 एडी में, इसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश, मैंने कहा था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को घोषित कर दिया था अपना उत्तराधिकारी। यहां मैंने लिख भी दिया है, देख लीजिए, यहां पर फादर इल्तुतमिश इसका है, और इसका एक ग्वालियर एक्सपीडिशन है, ठीक है, ग्वालियर अभियान है इल्तुतमिश का, वहां ये होता है करीब 1231 से 1232 एडी। इस ग्वालियर अभियान के दौरान ही जब ये उज्जैन में भी जाता है, तो वहां उसी दौरान ये महाकाल का मंदिर तोड़ देता है इल्तुतमिश, मैंने बताया था इल्तुतमिश वाले पार्ट में। तो देखिए ये कहीं कहीं केवल 1232 ही दिया रहेगा, कहीं 1231 1232 दिया रहेगा, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए इल्तुतमिश जाता है जब ग्वालियर अभियान पे, तो इल्तुतमिश की अनुपस्थिति है उस समय, और उसकी अनुपस्थिति में रजिया द्वारा राज का बेहतरीन संचालन, हाँ बहुत बढ़िया राज का चलाती है वो, ठीक है। इसलिए जब ग्वालियर अभियान से लौटेगा इल्तुतमिश इसका फादर, तो रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर देगा, इल्तुतमिश द्वारा रजिया को उत्तराधिकारी घोषित। अब देखिए मैंने बताया था कि अपने जीवन काल में ही ये उत्तराधिकारी घोषित करेगा, और एक महत्वपूर्ण बात, यह सवाल आएगा कि इल्तुतमिश ने किस अभियान के बाद, ठीक है, इल्तुतमिश ने किस अभियान के बाद रजिया को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था, तो यही ग्वालियर अभियान के बाद, ठीक है। देखिए क्योंकि ग्वालियर अभियान में जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पे जाता है, उस दौरान राजकाज को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े कुशल ढंग से यह चलाती है रजिया, ठीक है। तो यहां का जो पार्ट है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर अभियान कहां से सवाल आया है, ठीक है, और आगे भी बन सकता है। यही नहीं होता, उत्तराधिकारी तो घोषित ही करता है, क्वाइन पे यानी सिक्कों पर रजिया का नाम आने लगता है उसी समय से, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और महिला सुल्तान की प्रथा ये कहां से लाया था, इल्तुतमिश ईरान से। तो ये भी देखिए क्वाइन पे यानी तीनों से सवाल बन सकता है, हो सकता है स्टेटमेंट बना के आपको दे दे कि क्या क्वाइन पे रजिया का नाम लिखा जाता था, तो इस तरह से सवाल जोड़ सकता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कहां से लेके आया था। देखिए अपने इसने देखा था ईरान में राजकुमारियों को भी सुल्तान घोषित कर दिया जाता था, ठीक है, तो ये प्रथा ये ईरान से ही लेके आया था। आगे आप देखेंगे कि ये तो एक तरह से शुरुआत है, जो आगे बलबन बहुत सारी ईरानी प्रथाओं को लेकर आएगा। आप देखेंगे सिजदा, पैबोस, नवरोज वाला फेस्टिवल जो है, उत्सव है, मनाया जाएगा, सब ईरान से बलबन, ये बलबन लेके आएगा, आगे हम देखेंगे। तो बलबन ने ये जो काम किया था, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत इल्तुतमिश के समय ही हो गई थी, ठीक है, जब उसने रजिया को महिला सुल्तान, यहाँ की दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। तो महिला सुल्तान की प्रथा ये ईरान से, तो ये सवाल बनेगा
कि महिला सुल्तान की प्रथा ये कहां से आया था, तो ईरान से। तो ये भी आपके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया जाता है, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया जाता है, ये पैसा वैसा खूब खर्च करता है, विलासिता का जीवन जीता है, ठीक है, जम के पैसा खर्च करता है राज का बेवजह बेतहासा। और इसकी मां शाह तुर्कान जो है, मैंने बताया रुकनुद्दीन फिरोज की मां, यही मैंने लिखा हुआ है, इसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में शासन प्रशासन है। वो जितने भी इसकी इल्तुतमिश की को वाइफ्स हैं, मतलब और भी पत्नियां हैं, उनको उनके बच्चों को या तो जेल करवा देती है या मरवा देती है, ये सब काम करती है ये, ठीक है। जनता तंग आती है, ठीक है, और रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ देखिए रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट होता है रुकनुद्दीन फिरोज के साथ के पास। और जब ये रिवोल्ट को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज बाहर निकलता है कैपिटल से, ठीक है, रिवोल्ट कहां कहां होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। रिवोल्ट होता है आपको अवध का गवर्नर, यहां पे अवध का क्षेत्र है बड़ा सा, अवध का गवर्नर जो है वो रिवोल्ट कर देगा, मुल्तान का गवर्नर जो है वो रिवोल्ट कर देगा, ठीक है, ये मुल्तान है यहां का, ठीक है, ये मुल्तान है आज के पाकिस्तान में सिंध के ऊपर, यहां का गवर्नर कर देगा। हांसी है, लाहौर है, ये लाहौर है, ठीक है, हांसी यहां है पंजाब में, तो ये सब जगह पे ये रिवोल्ट होगा, ठीक है, अवध में, हांसी में, मुल्तान में, लाहौर में, और बदायूं में भी। देखिए बदायूं यहां पर मैंने बनाए हुए, ये बदायूं, तो ये सब इन सब क्षेत्रों में रिवोल्ट होगा ये रुकनुद्दीन फिरोज के समय। तो रिवोल्ट को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए कैपिटल से बाहर जाएगा, यहां के गवर्नर कर देते हैं सारे। उस समय रजिया क्या करती है, फ्राइडे प्रेयर, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, समय क्या है, फ्राइडे प्रेयर का, यानी कि नमाज का समय है, जुम्मे के नमाज के दिन, ठीक है ना। रजिया केम बिफोर पब्लिक, पब्लिक के बीच में आती है इन रेड रोग, ध्यान दीजिएगा, रेड रोग, लाल कपड़े में ही क्यों आई, ये लाल कपड़ों में आती है पब्लिक के सामने सामने, और ये न्याय की मांग करती है कि भाई, याद दिलाती है लोगों को, दिल्ली की जनता को, कि देखिए इल्तुतमिश जो है, मेरे पिता ने जो है वो मुझे बनाया था सुल्तान, उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है, यहां उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, इनकी इच्छा के खिलाफ एक अयोग्य व्यक्ति, इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति को इन्होंने शासक बना दिया, इसलिए आप मेरी मदद करें, हाँ, सत्ता वापस दिलाने में। और रेड रोग का मतलब यह है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये जो रेड रोग है, रेड रोग का मतलब कहीं पूछ ले एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड रोग का मतलब न्याय की मांग, ये प्रतीक था न्याय का, प्रतीक था न्याय, तो न्याय के प्रतीक के रूप में देखा गया, न्याय की मांग के सिंबल के रूप में देखा गया। मैंने न्याय लिख दिया है, थोड़ा छोटा है, आप याद रखिएगा। तो रेड रोज रोग का मतलब, रेड रोग को न्याय का प्रतीक माना जाता था, न्याय का प्रतीक माना जाता था, तो ये इसीलिए रेड रोग न्याय की वो, ठीक है, प्रतीक सिंबल। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेड रोग ही पहन के क्यों आई थी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे सवाल बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से प्रतीक क्या था, रेड रोग क्या था, लाल कपड़ा, रेड रोग का मतलब कपड़ा, ये वो लाल वस्त्र पहन के आई थी, तो इसको लाल वस्त्र को या लाल रंग को न्याय की मांग का प्रतीक माना जाता था, इसलिए ये पहन के आई थी। पब्लिक से गुजारिश करती है, भाई भाई मदद कीजिए, तो गॉड सपोर्ट ऑफ पब्लिक प्लस आर्मी, तो अब क्या होगा कि पब्लिक का सपोर्ट भी मिल जाएगा, सेना भी इसका समर्थन करेगी रजिया का, और इस तरह से आप देखेंगे कि जो जनता है वो आक्रमण कर देती है महल पे, और महल पे आक्रमण करने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो शासक है इसको तो मार दिया जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज को मार दिया जाएगा, इसको मार दिया जाएगा किल, और शाह तुर्कान को जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था,
तो इनका काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद रजिया जो है ये गॉड सपोर्ट किसका, पब्लिक प्लस आर्मी, और इस तरह से रजिया जो है सत्ता में आ जाएगी। और इस तरह से आप यहां से लिख दीजिए कि रजिया यहां पे इसके बाद जो रजिया है, इस तरह से रजिया ये सुल्तान बन जाती है, ठीक है, और रजिया सुल्तान बन जाएगी। यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ लिए। तो यहां से जो जो सवाल बनता है वो मैंने बता दिया आपको, शुरुआती दौर की जो बातें थी कैसे रजिया सत्ता में आती है। अब रजिया के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, महिला है, हाँ, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, तुर्काने चहलगानी है, यानी द ग्रुप ऑफ 40, ये सब पसंद नहीं कर रहे हैं एक महिला को। तो अब इस बारे में हम कुछ बातें यहां पे लिखेंगे रजिया के बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देखिएगा। बाकी जहां जहां देखिए, जहां जहां मैंने बता दिया क्या क्या बताया था, एक तो ये बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही इसको घोषित कर दिया था, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन काल में ही, दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का, कौन सा ऐसा जिसने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बना दिया था, तो वो इल्तुतमिश था। किसे बनाया था, तो रजिया सुल्तान को। अच्छा, रजिया के दो और नाम यहां देखिए, रजिया बेगम और रजिया तुद्दीन, ये भी याद रखिएगा, ये रजिया के ही नाम है, रजिया सुल्तान के, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल बन रहा है किस अभियान के बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को, रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था, तो ग्वालियर अभियान के बाद। ग्वालियर अभियान हुआ कब था, देखिएगा 1231 से 1232 एडी के अराउंड हुआ था, ठीक है। उसमें हुआ क्या था, क्वाइन पे भी रजिया का नाम आने लगा था। ये प्रथा लड़कियों को, प्रिंसेस को जो है वो सुल्तान बनाने की प्रथा सिस्टम कहां से ली थी उसने, तो ईरान से, ये भी सवाल बनता है। और ये उसके बाद लाल कपड़ा क्यों पहना था जब रिवोल्ट हुआ जनता का, तो लाल कपड़ा क्यों पहना था भाई रजिया ने, क्योंकि लाल कपड़ा जो है न्याय की मांग का प्रतीक माना जाता था। ये भी मैंने यहां पे लिख दिया था, न्याय की मांग का प्रतीक, देखिए ऐसे आप, न्याय की मांग का प्रतीक है, सिंबल है न्याय का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहां तक बता दिया, आगे अभी हम कुछ और जानकारी देंगे, ठीक है। तो पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और रजिया के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस वेरियस पॉइंट्स अबाउट रजिया सुल्तान। देखिए हमने पूरी तरह से समझ लिया कि रजिया कैसे शासक बनती है, कैसे सुल्तान बनती है, ठीक है, कैसे इल्तुतमिश उसके पिता ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर बना दिया था। अब देखिए रजिया के साथ क्या क्या समस्याएं हैं, रजिया ने कैसे उन समस्याओं को का समाधान किया, हाउ डिड शी एक्ट कैसे किया उसने, और रिवोल्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिवोल्ट जो था भटिंडा का था, रिवोल्ट तो बहुत सारे हुए थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भटिंडा का था, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पर ये देखिए प्रॉब्लम क्या था, देखिए एक महिला शासिका है, महिला है तो इस्लाम में इसको बुरा माना गया, ठीक है। आज भी आप देखेंगे कि इस्लाम में महिलाओं को लेकर बहुत सारी या तो उसको सुपरस्टिशन कह लीजिए या उनका अपना एक विश्वास है, फेथ है, तो थोड़ी सी मतलब दूसरे धर्म के लोगों को लगता है कि उनमें थोड़ा सा अंकुश है महिलाओं पर इस्लाम में, तो उस समय भी ऐसा था, तो इस्लाम के खिलाफ माना जाता था किसी महिला का सुल्तान बनना या शासक शासिका बनना, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ थी। उसके अलावा मैंने अभी भी पहले भी बताया चालीसा, द 40, ये चालीसा जो था, हाँ, जिसको किसने बनाया था, ये चालीसा का गठन किया था इल्तुतमिश ने, इसके पिता ने, रजिया के पिता ने। किस लिए किया था, क्योंकि उसमें इसके विश्वसनीय 40 गुलामों का एक ये ग्रुप था, जो उसके विश्वसनीय 40 गुलाम थे उसको उसने रखा था शासन प्रशासन में मदद के लिए, ठीक है। तो इल्तुतमिश जब तक रहा तब तक तो वो इल्तुतमिश को अपना हर संभव जो है वो अपना योगदान देते रहे शासन प्रशासन चलाने में, लेकिन इल्तुतमिश के बाद अब इसी चालीसा को लगने लगा कि
इसको गुलामे चहलगानी भी, तुर्के चहलगानी भी कहते हैं, ठीक है, चालीसा या चहलगानी या खाली चहलगानी भी कह सकते हैं, मैं लिख देता हूं कहीं आपको कंफ्यूजन है, चहलगानी भी इसको कहते हैं। चहलगानी तो इसको तुर्काने चहलगानी, तुर्काने चालीसा, गुलामे चहलगानी, गुलामे चालीसा अंग्रेजी में द 40 कहते हैं। तो ये चालीसा में जो 40 गुलाम हैं जो बहुत ही विश्वसनीय थे, किसके, इल्तुतमिश के, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आगे एक तो मुस्लिम है, महिला है, हाँ महिला है, तो वो नहीं चाहते कि ये जो चालीसा, ये बहुत पावरफुल हो गए थे ना, ये बहुत पावरफुल थे चालीसा वाले, तो ये नहीं चाहते थे कि किसी महिला के अंडर ये काम करे, ठीक है, कोई महिला उन पे रूल करे, उनको इंस्ट्रक्शन दे, ये पसंद नहीं था, तो इसलिए चालीसा भी रजिया के खिलाफ थी, ठीक है। इसके ब्रदर्स, क्योंकि आपको पता है अपने जीवन काल में ही रजिया को ग्वालियर अभियान के बाद, याद रखिएगा, हाँ 1231 1232 एडी कह रहा हूं, ये ग्वालियर अभियान में, अभियान खत्म होने के बाद रजिया को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेशन घोषित कर दिया था, क्योंकि ब्रदर्स को जो उसके बेटे थे यानी रजिया के जो भाई थे उसको मानता था कि वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, और थे भी वो, तो इस वजह से ये ब्रदर्स भी नेचुरली खिलाफ होंगे, ये भी एक समस्या थी। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो है, चहलगानी के अलावा जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स हैं, जो कोटियर्स हो या और भी लोग हो, तो वो खिलाफ थे, क्योंकि एक महिला शासिका को पसंद नहीं कर रहे थे। हाँ एक और बड़ी बात थी, देखिए ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा झुकाव था, इंक्लिनेशन था, एक व्यक्ति था याकूत। अब ये याकूत कौन था, ये अबिसिनियाई गुलाम था, एक अबिसिनिया से था, और इसको इसने बना दिया था अमीरे अखूर, मास्टर ऑफ स्टबल्स, ठीक है ना, जहां घोड़े ओड़े रखे जाते हैं उसका हेड बना दिया था, अमीरे अखूर बनाया था याकूत को, ये अमीरे अखूर था, अमीरे अखूर ध्यान रखिएगा, अमीरे अखूर कहीं पूछ दे आगे भी आता रहेगा। तो जहां घोड़े ओड़े रहते हैं ना, स्टबल, स्टबल जिसको बोलते हैं, तो उसका ही हेड बना दिया था, अमीरे अखूर बना दिया था। तो याकूत से कहा जाता था कि इसकी बड़ी नजदीकियां थी, और ये बात चाहे वो चालीसा के लोग हों या ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हो या और भी कोर्टियर्स हों, उनको पसंद नहीं था, कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि इसका अफेयर चलता था याकूत के साथ, और ज्यादा प्रेफरेंस देती थी इसको याकूत को, तो ये भी इसके खिलाफ जा रहा था, इसको लेकर भी विरोध था लोगों में, एक ये बात थी। अब आगे देखिए, वजीर जो था निजामुल मुल्क जुनैदी, ये इल्तुतमिश के समय भी था, फिर उसके बाद जो जब रुकनुद्दीन फिरोज बनता है उस समय भी ये वजीर रहता है, एक तो ये है। उसके अलावा जो गवर्नर्स हैं हांसी के, मुल्तान के, बदायूं के, लाहौर के, ठीक है, हांसी पंजाब में, अभी अभी मैंने बताया हांसी ये पंजाब में पड़ेगा, ठीक है हांसी। उसके अलावा बदायूं, यहां पर देखिए गंगा यमुना दो आपके पास बदायूं पड़ेगा, बस मैं बताते जा रहा हूं। हाँ मुल्तान आप जानते ही हैं, ये देखिए ये सिंध है, ये सिंध का इलाका है, ये सिंध का, इसके ऊपर यहाँ पे मुल्तान पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर कर लीजिए ये पंजाब वाले प्रांत में पड़ेगा, लाहौर भी पंजाब में, ये मुल्तान है यहाँ का, और लाहौर तो यहाँ है ही, तो ये लाहौर का, तो इसका, इस सबके जो गवर्नर है ये भी जो है रिवोल्ट करते हैं, रिवोल्ट नहीं, एक तरह से हॉस्टाइल ग्रुप है ये, ठीक है, कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, तो एक तरह से खिलाफ है, तो एक तरह से विद्रोही कर रहे हैं इसके खिलाफ, ठीक है। तो वजीर हो गया निजामुल मुल्क, और गवर्नर्स हो गए हांसी के, मुल्तान के, बदायूं के, लाहौर के, तो ये सब मिलके इसके खिलाफ एक कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं, यानी कि कोलिशन अलायंस बना लेते हैं इसके खिलाफ, ठीक है। अब ये हाउ डिड शी एक्ट, इन सब चीजों से कैसे निपटती है, देखिए पहले तो ये जो कॉन्फेडरेशन है वजीर का और ये गवर्नर्स का, यहां पे लिखा हुआ है मैंने निजामुल मुल्क जुनैदी का और गवर्नर्स का, ठीक है, इसमें ये फूट डाल देती है, यानी कि डिसेंशन, फूट डाल देगी इनके बीच में, ठीक है। और फिर फूट डालने के बाद जब ये अलग हो जाते हैं तो इनमें से किसी को जेल में डाल देगी, किसी को ये मरवा देगी ताकि रास्ते से हट जाए,
ये निजामुल मुल्क जुनैदी भी जान बचा के भागता है, लेकिन ये भी मारा जाता है बाद में, कहीं मौत हो जाती है इसकी रास्ते में जब भाग रहा है। तो इस तरह से इन लोगों को इसने खत्म कर दिया, इसके जो रास्ते के रोड़े थे, जो ऑब्स्टेकल्स थे, अवरोध थे, सबको खत्म कर दिया। यही से ये जो है यहाँ पे इसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने लोक खिलाफ थे, महिला शासिका कैसे हो सकती थी, इसने पुरुषों के वेश में मेल अटायर, पुरुषों का पोशाक, यानी मेल अटायर का मतलब जैसे कुबा, कहीं कोट लिखा हिंदी में मिलेगा, कहीं सर यहाँ कोट लिखा है मैंने, और कहीं कुर्ता लिखा हुआ मिलेगा, तो कुबा है यानी कि कोट, और कुला है यानी कि कैप, टोपी लगाने लगी, बिल्कुल पुरुषों के पोशाक में ये जाने लगी। उसके बाद पर्दा इसने खत्म, पर्दा महिलाओं में इस्लाम में क्या है, पर्दा लोग करते हैं, आज भी हिजाब वजाब का आप देखे कितना बवाल हुआ हिजाब को लेकर अभी हाल ही में, तो ये पर्दा प्रथा बुरके में रहती हैं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तो एक तरह से पर्दा प्रथा उसमें था, तो इस्लाम में होता है, उस समय भी था, तो इस पर्दा प्रथा को इसने बिल्कुल पर्दा करना ही बंद कर दिया। पुरुषों के भेष में दरबार में जाने लगी, कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन एन ओपन कोर्ट, मतलब खुले दरबार में जाने लगी, पुरुषों का वेश बनाया, पुरुषों के कपड़े पहने, पर्दा त्याग दिया, ठीक है, और ओपन कोर्ट में, खुले दरबार में पुरुषों की तरह ही जो भी राजकाज का मामला है वो देखने लगी। तो ये एक बड़ी बात यहां पर है। उसके बाद शिकार करने लगी जैसे पुरुष करते हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग करने लगी, घोड़े की सवारी करने लगी, हाथी की सवारी करने लगी, आर्मी को कमांड देने लगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इसने अपना स्वरूप ही बदल दिया, हाँ, डोमिनेट करना इसने शुरू किया, और इसने दिखाया कि नहीं, आप लोगों का जो ये है कि एक महिला शासिका नहीं हो सकती, तो मैं वो सारे काम कर सकती हूं जो एक पुरुष कर सकता है, और इस तरह से इसने इनके खिलाफ ये कदम उठाए, ठीक है। अब आगे देखिए, खासकर ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम थे इनके खिलाफ, चाहे वो चहलगानी में हो चाहे अदर्स हो, ठीक है। उसके बाद देखिए रिवोल्ट तो बहुत सारे हुए, ये भी एक तरह से अगर इसके खिलाफ है तो रिवोल्ट ही है, ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिवोल्ट होता है कहां का, भटिंडा का। यही देखिए, यही पे जो पंजाब है तो यही पे आपको भटिंडा में मिलेगा, जहां हांसी है ना, हांसी पंजाब में ही मिलेगा हांसी, और यही पे भटिंडा में भी आपको भटिंडा पंजाब में, ठीक है। तो इसका गवर्नर कौन था, अल्तुनिया, ध्यान रखिएगा, अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति है जो कि गवर्नर था, कहां का, इसी ने बनाया था भटिंडा का। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने जो कॉन्फेडरेट्स टूटेगा तो फिर ये नए नए लोगों को अपॉइंट कर लेगी, निजामुल मुल्क जो वजीर था इसकी जगह नए लोगों को अपॉइंट करेगी, और सारे ये जो गवर्नर्स हैं जो इनके खिलाफ हो गए थे, हांसी, मुल्तान, बदायूं, लाहौर, तो सब जगह अपने अपने गवर्नर ही अपॉइंट कर देगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गवर्नर जो है अल्तुनिया का ये विद्रोह करता है, रिवोल्ट करता है, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, इस रिवोल्ट के दमन के लिए, हाँ, इस विद्रोह के दमन के लिए रजिया याकूत के साथ निकलती है। देखिए, यही याकूत जो कि अबिसिनियाई गुलाम है, ठीक, एक स्लेव है, और इसको अमीरे अखुर बना दिया है, मास्टर ऑफ स्टबल्स, जहां घोड़े रहते हैं, स्टबल का हेड बना दिया है, ठीक है। तो ये अमीरे अखुर बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता था उस समय, तो ध्यान दीजिएगा, अमीरे अखुर, अखुर या अखुर कुछ भी आपको मिल जाए तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसी याकूत के साथ निकलती है इस अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही क्या होता है कि इधर ये निकलती है, इधर इसके भाई तो प्रॉब्लमेटिक है ही, ब्रदर्स, क्योंकि इसके फादर इल्तुतमिश ने इनको तो सत्ता ही नहीं दी थी, उत्तराधिकारी किसे बना दिया था, रजिया को बना दिया था, तो इसके ब्रदर भी जो थे वो भड़के हुए थे, ठीक है। तो इसका भाई जो बहराम शाह है, हाँ, वो जब तक ये इधर निकलते हैं भटिंडा की तरफ अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, तब तक यहां दिल्ली में क्या होगा, यहां दिल्ली में, ये दिल्ली में तब तक क्या होगा, यहां पर बहराम शाह इसका भाई कंट्रोल कर लेगा वहां पे आके, वो और उसकी सेना, और उसी की सेना के द्वारा जब ये अल्तुनिया ये पढ़ रहे थे तो यहां इंप्रिजन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद
क्या करती है रजिया, देखिए बहराम शाह वहां कंट्रोल कर चुका है दिल्ली में, मैंने बताया कि भटिंडा का गवर्नर जो है अल्तुनिया विद्रोह करता है, इसको दबाने के लिए रजिया याकूत के साथ जाती है अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या होता है अल्तुनिया द्वारा इसको कैद कर लिया जाता है और याकूत को मार दिया जाता है। जब ये विद्रोह को दबाने के लिए जाती है याकूत के साथ मिलकर, तो अल्तुनिया द्वारा अल्तुनिया की सेना क्या करती है, इसको तो कैद कर लेती है और याकूत को मार दिया जाता है। अब इसका राइट हैंड था, मैंने ये बताया कि ये जो याकूत है अबिसिनियाई स्लेव था, क्या बनाया था, अमीरे अखूर बनाया था, और इसकी रजिया का राइट हैंड ये माना जाता था। अब क्या होगा, अब रजिया देखेगी कि भाई सब कुछ मामला हाथ से बिगड़ रहा है, तो रजिया खुद को यहां तो जेल में है, बचाने के लिए अल्तुनिया से शादी कर लेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, यही मैंने यहां लिखा हुआ है, रजिया और ये मैरिज का साइन है, यहां मैंने विवाह लिख दिया है, हाँ रजिया मैरिड अल्तुनिया प्लस माइनस मेल फीमेल, रजिया का विवाह हो जाता है अल्तुनिया से। क्यों, क्योंकि जब ये रजिया और याकूत अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं भटिंडा की तरफ, उस समय अल्तुनिया के सैनिक क्या करते हैं, रजिया को कैद कर लेते हैं, याकूत को मार देते हैं, ठीक है। अब रजिया अकेले पड़ जाती है, तो फिर से सोचती है कि भाई सत्ता हासिल करने का, इधर बहराम शाह दिल्ली में बैठ जाता है, सत्ता पे कैप्चर कर देता है, कर लेता है। अब ये सोचती है कि दिल्ली के सत्ता को कैप्चर करने के लिए ये जरूरी है कि अल्तुनिया के साथ शादी कर ली जाए, क्योंकि अकेले पड़ गई, तो अगर अल्तुनिया के साथ, अल्तुनिया तो इनको जेल में डाल दिया है, लेकिन सोचती है कि अगर अल्तुनिया के साथ मैं मैरिज कर लेती हूं तो फिर हम दिल्ली के सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। तो इसीलिए इसने रजिया ने अल्तुनिया से शादी की। शादी के बाद ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, इस दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं भटिंडा से, ये भटिंडा से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। रास्ते में ही जो बहराम शाह रजिया के भाई ने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था, दिल्ली को की सत्ता को कंट्रोल कर लिया था, उसके सैनिक 1240 एडी में कैथल, जो आज हरियाणा में है, उस समय पंजाब में था, यहीं पे कहीं आसपास है, आप देखेंगे यहीं आसपास कैथल होगा हरियाणा में, ठीक है, आज का हरियाणा जो है, तो कैथल में रजिया और अल्तुनिया को मार दिया जाता है और इस तरह से रजिया के का अंत हो जाता है, ठीक है। तो 1240 में रजिया का अंत हो जाएगा। उसके बाद इसके दो भाई आएंगे, बहराम शाह मसूद शाह, हाँ, जो कि बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट है, तभी तो इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। अब क्या होगा कि आगे जो बहराम शाह और ये मसूद शाह बनेंगे वो इनकॉम्पिटेंट है, फिर नसरुद्दीन महमूद कुछ दिनों के लिए आएगा, और नसरुद्दीन महमूद एक दरवेश किंग के रूप में जाना जाता है, बहुत ही काइंड हार्टेड था, वो सत्ता चलाने के लायक नहीं था, तो उसके शासन को संभालेगा, उसका वजीर बनेगा बलबन, और बाद में वही बलबन जो है वो एक बड़े शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनेगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। तो थोड़ा सा इसके बाद हम रजिया के बाद नसरुद्दीन महमूद को समझेंगे और फिर हम बलबन को देखेंगे। तो यहां पे जो सवाल आएगा, ठीक है, कि इंक्लिनेशन किसकी तरफ था, तो था याकूत की तरफ। देखिए इससे आप रजिया की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए तो यहां से आप लिखेंगे कैसे रजिया ने एक्ट किया, रजिया ने क्या क्या किया, अपने आप को बेहतरीन साचिका पुरुष के समकक्ष, पुरुषों के समकक्ष साबित करने के लिए, यानी कि एक पुरुष शासक से वो कम नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए क्या क्या किया, तो इन सब चीजों को लिख सकते हैं। हाँ, अगर रिवोल्ट की बात आए तो एक तो आप ये लिख सकते हैं कि वजीर भी खिलाफ था, गवर्नर भी खिलाफ थे, एक तरह का ये रिवोल्ट ही है, साथ ही भटिंडा का सबसे बड़ा रिवोल्ट था, ठीक है, भटिंडा के रिवोल्ट में भटिंडा का गवर्नर करता है ना अल्तुनिया, ठीक है। जब इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए रजिया याकूत के साथ जाती है, तो अल्तुनिया रजिया को कैद कर लेता है, याकूत को मार देता है। अब रजिया के पास एक ही उपाय बचता है कि अगर दिल्ली की सत्ता को हासिल करना है, क्योंकि जब यह घटना हो रही है रास्ते में, तब तक दिल्ली की सत्ता पर इसका भाई बहराम शाह आ जाता है, रजिया का भाई, ठीक है, रजिया का भाई बहराम शाह दिल्ली की सत्ता पर आ जाता है। अब यह सोचती है कि अब यह अकेले पड़ गई, याकूत की मौत हो गई, तो सोचती है कि इस अल्तुनिया ने इसे जब कैद कर दिया है, तो इस अल्तुनिया से अगर यह शादी कर लेती है
तो दिल्ली के सत्ता पे दोबारा काबिज हो सकती है, संभावना बनती है। इसलिए ये रजिया अल्तुनिया से भटिंडा का जो गवर्नर है जिसने रिवोल्ट किया था रजिया के खिलाफ उसी से शादी करती है, देखिए मैंने लिख दिया। और फिर शादी करने के बाद ये बहराम ये दिल्ली की ओर बढ़ते हैं जहां इसका भाई दिल्ली की ओर बढ़ते हैं जहां रजिया का भाई बहराम शाह कंट्रोल किए हुए है सत्ता को, लेकिन रास्ते में ही कैथल में, ठीक है, कैथल में ये दिल्ली की तरफ जब बढ़ रहे हैं यहां से, तो आप देखेंगे कि भटिंडा से तो रास्ते में ही कैथल में, कैथल कहीं बीच में पड़ता है, तो कैथल में 1240 एडी में बहराम शाह के सैनिक इसको मार देते हैं और इस तरह से रजिया का अंत होता है। ये मैंने बता दिया, तो रजिया पूरी तरह से खत्म होता है, मैंने बता दिया। राइटिंग के लिए भी आ जाए तो आप यहां से प्रॉब्लम्स क्या थी रजिया की, रजिया ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे संभाला ये दे सकते हैं। रिवोल्ट कौन सा महत्वपूर्ण रिवोल्ट था या भटिंडा का रिवोल्ट डायरेक्ट दे सकता है वो आप समझा सकते हैं। अब दो स्कॉलर्स हैं उन्होंने रजिया के बारे में कुछ बातें कही हैं, वो हम खाली लिखेंगे और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको जरा इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब उन दो स्कॉलर्स की बातों को जान लेते हैं और फिर ये टॉपिक खत्म होगा। लेट अस डिस्कस नाउ व्हाट वाज सेड बाय द टू स्कॉलर्स मिनहाजुद्दीन सिराज एंड एल्फिस्टन अबाउट दिस पर्सनालिटी रजिया सुल्तान। इन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में क्या कहा? तो सबसे पहले मिनहाजुद्दीन सिराज, कहीं कहीं आपको मिनहाज उस सिराज भी लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये इल्तुतमिस ने यह संरक्षण दिया था, तो ये भी लिख लीजिए। मैंने बताया भी था कि इनको संरक्षण जो दिया था, यानी कि संरक्षण किसने दिया था, संरक्षण इनको दिया था किसने, इल्तुतमिस ने, यानी कि रजिया के पिता ने। और इनकी एक बुक है, पूछा जा सकता है कि किसने संरक्षण दिया था, तो इल्तुतमिस ने दिया था, पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिस। और यहां पर देखिए इनकी एक किताब है कौन सी, तबाकते नासिरी, ये बिल्कुल याद रखिएगा, वहां भी मैंने बताया था, यहां भी बता रहा हूं, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिनहाजुद्दीन सिराज की कौन सी बुक है भाई, या तबाकते नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है, मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा। इन्होंने कहा कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, यानी रजिया को भाग्य ने पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मिनहाजुद्दीन सिराज के कहने का लबोलवाब यह है कि रजिया का जो पतन हुआ या रजिया का जो कि जो असफलता बाद में रही, वो उसने सत्ता खो दिया, तो उसका महिला होना उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा, उसके पतन में का सबसे बड़ा कारण महिला होना था। ठीक है, अगर वो पुरुष होती तो उसमें सारे गुण तो थे ही, जिस तरह से पुरुष काम करते थे उस तरह से ये भी कर रही थी, बहादुर थी, डेयरिंग थी, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने कहा कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना समस्त गुण उसके उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। तो सवाल पूछ सकता है कि ये बात किसने कही, या फिर अगर यहां पे देखा जाए तो इसका मतलब अगर ऐसे भी पूछ दे, कई बार ये भी पूछ देता है कि रजिया का जो पतन या डाउनफॉल था उसका रीजन क्या था, तो महिला होना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो मिनहाजुद्दीन सिराज का ही कथन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है और ये यूपीएससी में यहां से तो सवाल बन ही सकता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से पतन का रीजन क्या था, तो महिला होना, किसने कहा, मिनहाजुद्दीन सिराज ने। दूसरी बात, एक दूसरे स्कॉलर है एल्फिस्टन, उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। यदि रजिया, जो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है कि अगर ये पुरुष होती तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता। देखिए क्या कहा इन्होंने, कहा यदि रजिया महिला नहीं होती, मैंने नहीं का साइन ऐसे दे दिया है, तो क्या होता, भारत के महान शासकों में उसका नाम होता। ये कथन किसने कहा है, तो ये भी याद रखिएगा, एल्फिस्टन ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तू कहीं पूछ दे। तो बात वही है, ये भी यही कह रहे हैं कि अगर पुरुष होती तो बहुत फायदा होता, ये भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर भारत के अगर वो महिला नहीं होती यानी पुरुष होती तो भारत के महान शासकों में उसका नाम होता। तो इन दोनों कथनों को आप याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।